माय डियर स्टूडेंट, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल छोटी काटू की इस ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विंटर वैकेशन में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए मैंने ये मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास आप सबके लिए शुरू की है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक, और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। फॉर्मूले में ए स्क्वायर की जगह यहाँ है 51, यानी ए की जगह है 51 एंड बी की जगह है 49। We know that a square minus b square is equal to a plus b a minus b। तो क्वेश्चन में जो a है वो है 51, तो a की वैल्यू 51 हो गई, b की वैल्यू इसी हिसाब से 49 हो गई। हम क्या करेंगे, जहां फॉर्मूले में a है वहां पे 51 पुट कर देंगे, जहां b है वहां 49 पुट कर देंगे। तो 51 प्लस 49 की वैल्यू 100 हो जाएगी, 51 माइनस 49 की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस की 100 एंड माइनस की 2 मल्टीप्लाई होगा तो 200 मिल जाएगी। तो 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर। वी आल्सो नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। तो यहाँ अगर देखते हैं तो ए की वैल्यू है 1.02 एंड बी की वैल्यू है 0.98। तो 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.02 प्लस 0.98, वन टाइम प्लस एंड वन टाइम माइनस, 1.02 माइनस 0.98 ये वैल्यू हो जाएगी 2.0 और ये वैल्यू हो जाएगी आपके 0.04। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड 0.04 इज इक्वल टू 0.08। द राइट आंसर इज 0.08। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 153 का स्क्वायर माइनस 147, ये आपको होमवर्क में करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल उसी मेथड पे आपको इसको सॉल्व करना है। और 12.1, 7.9, इसका थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। 12.1 को आप लिख सकते हो 10 प्लस 2.1 एंड 7.9 को आप लिख सकते हो 10 माइनस 2.1। ये a हो जाएगा, ये b, a b अगेन a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चार क्वेश्चन इसके चारों चारों सेम पैटर्न पे, दो मैंने आपको करवा दिए, तो आज की डेट में आप होमवर्क करके अपने क्लास ग्रुप में उनका सॉल्यूशन है वो आज ही डालोगे शाम 7 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। फॉर्मूला इससे पहले भी क्लास में मैं आपको लिखा चुका हूँ, उस पे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उस सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, दो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। फर्स्ट है 103 मल्टीप्लाई 104। 103 थ्री मोर है 100 से और 104 है वो 4 मोर है 100 से। तो अपन 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4। तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो x की जगह जो वैल्यू पुट हो रही है वो क्या है, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू फॉर्मूला है, इसमें x की जगह 100 वैल्यू है, a की जगह है 3, b के प्लेस पे है 4। फॉर्मूले में है x की पावर 2, तो अपन x की जगह 100 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस a प्लस b, तो a की जगह 3 है b की जगह 4 है, तो 3 प्लस 4
100 x की जगह वापस 100 आ जाएगा प्लस ए बी यानी 3 × 4 सॉर्ट आउट करेंगे तो 100 का जो स्क्वायर होता है 10,000 तो 10,000 प्लस 7 ये हो गए 7 4 प्लस 3 7 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ 4 3 जा 12 होता है तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 700 प्लस 12 तो 10,712 ये इसका लास्ट आंसर होगा। डेसिमल वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि आगे डेसिमल के जो क्वेश्चन है उनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं होमवर्क में। 5.1 5.2 5.1 is more than 1.1 more than 5 and 5.2 more than 0.25 तो आप इसको लिख सकते हो 5 plus 0.1 and 5 plus 0.2 and also the value of x is equal to 5 and value of a is equal to 0.1 value of b is equal to 0.2 according to the identity x plus a multiply x plus b is equal to x की power 2 plus a plus b x plus ab उस आइडेंटिटी में अपने को x की जगह वैल्यू जो है वो पुट करनी है 5, a की जगह वैल्यू पुट करनी है 0.1 और b की जगह जो वैल्यू है वो पुट करनी है 0.2 5 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 0.1 प्लस 0.2 इज मल्टीप्लाई 5 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये इनका मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तो हो जाएगा 0.3 1 प्लस 2 3 हो जाएगा 0.3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 दोनों डेसिमल में है आपको पता है डेसिमल में जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो टोटल डेसिमल जितने होते हैं उसमें आफ्टर डिजिट लग जाता है जैसे यहाँ 1 डिजिट छोड़ के यहाँ भी 1 डिजिट है तो टोटल डिजिट हो गए 2 डिजिट तो जो आंसर होगा उसमें 2 डिजिट के बाद में आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल का यूज होगा तो 0.02 25 ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 1.5 हो गया क्योंकि यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लग जाएगा और ये 0.02 टोटल जो लास्ट में एडिशन करने के बाद में वैल्यू आएगी 26.52 तो ये क्वेश्चन 1 एंड 2 मैंने आपको बता दिया इसके बाद जो आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं।